नमस्कार, मैं आरपी गुर्जर आप सबका सब कुछ सो यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की होगी, यानी हम गुणा कैसे करते हैं इसके बारे में होगी। तो देखिए एक बार, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 128 को अगर हमें 25 से गुणा करना पड़े तो बहुत ही आसान यानी सेकंडों में होने वाली ट्रिक को बताऊंगा कि सेकंडों में हम इसे कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर सबको सोल्व को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए सबसे पहले हम 128 में 4 का भाग देंगे। अगर इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चल जाता है तो ये ट्रिक बहुत ही इजी हो जाएगी। 4 का भाग पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 32 बार जा रहा है। यहां पे 25 है तो 2 ऊपर उतार दीजिए, ये आपका क्या है? आंसर है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हम, 24 है, इसको अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा? इसमें 4 का भाग दो कितनी बार जाता है? 6 बार, और इसकी जगह 2 ऊपर उतार दो, 600 आपके आंसर है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हम, मान लीजिए हमारे पास 244 है, इसको अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा कि 244 में हमें 4 का भाग देना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा? 61 बार जाएगा, और 2 ऊपर यहां से उतार दीजिए, ये इसके आंसर है। अगर 25 से हमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ वाला नंबर 4 से पूर्णतः डिवाइड है यानी पूरी तरह विभाजित है तो हम ये ट्रिक आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। ऐसी ट्रिक और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।